मेरी कहानी मेरी जुबानी, मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी मेरी जुबानी लॉकडाउन स्पेशल एपिसोड में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरह ये मेरी कहानी मेरी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट, मेरा नाम है सुजय खान और हमारा शो है मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, लॉकडाउन स्पेशल एपिसोड में आज हमारे साथ जुड़ गई एक्ट्रेस एंड सोशल वर्कर जोशीना। जोशीना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे, हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और आपको रमज़ान मुबारक। साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि आज हमारे शो में आप आई हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, सारी चीज़ें बंद हैं, आपकी शूटिंग्स, लेकिन आप फिर भी सोशल वर्किंग कर रहे हैं। सुना है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कोरोना वायरस जो पेशेंट हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं आप संस्था के थ्रू, तो ये बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे, इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर पर रह के लोगों की मदद करने के अलावा और क्या क्या कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ जोस्टा। थैंक यू सो मच सुजील जी, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने इस लॉकडाउन के दौरान कैसे अपना टाइम स्पेंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई स्टार्टेड माय डे विद टी। मैं खाना पीना इतना ज़्यादा करती नहीं थी, बनाती नहीं थी, कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। उसमें दो चार चीज़ें नहीं मैंने बनाना सीखी हैं और सीख गई हूँ थोड़ा बहुत बनाना। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिला, बिकॉज अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम हमको मिल पाया है। इसमें खुद की और क्वालिटीज़ जानने का मौका मिला, खुद के ऊपर और काम किया, जो पेंडिंग वर्क थी उसे कंप्लीट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि मैं कुकिंग बिल्कुल नहीं करती थी, कुकिंग स्टार्ट कर दी मैंने। साथ ही साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो उसमें हम लोग जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं फिलहाल तो लॉकडाउन में, जिसमें बच्चे हैं और लोग हैं उन सबको हेल्प हम लोग घर से प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो जोशीना, आपने जैसे मुझे बताया कि आप लॉकडाउन के दौरान जो पेंडिंग वर्क थे वो भी पूरे कर लिए, साथ ही साथ जो आप सोशल वर्किंग है तो जो कोरोना पेशेंट हैं उनकी भी हेल्प कर रही हैं। और अब मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो ये है कि आप एक महिला हैं, एक लड़की हैं और सोशल वर्कर हैं, एक्ट्रेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हैं। जैसा कि अब लॉकडाउन बंद हो गया है, लॉकडाउन हो गया मतलब सब कुछ बंद हो गया है, सारी चीज़ें थमसी गई हैं, तो कुछ आपकी हम उम्र हैं लड़कियां या कुछ महिलाएं जो कि अब परेशान हैं लॉकडाउन से, कि लोगों के दिल में एक सवाल चल रहा है कि ये पहले 14 अप्रैल तक था, देन अब ये 3 मई हो गया, क्या इसके बाद भी लॉकडाउन बढ़ सकता है? अगर लॉकडाउन आगे बढ़ जाएगा तो कुछ परेशानियां और होंगी, तो उनसे निपटने का या उन परेशानियों को फेस करने का या ऐसा कुछ आप मैसेज इस शो के माध्यम से देना चाहती हूँ हमारे दोस्तों को, दर्शकों को, अपनी साथी कलाकारों को और आपके जो साथ में हैं उन लोगों को, कि उन्हें क्या करना चाहिए अगर लॉकडाउन इन केस बढ़ जाता है तो उन्हें कैसे इनको फेस करना चाहिए? कोरोना एक सीरियस मैटर है जिससे सिर्फ ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरा वर्ल्ड इससे अभी लड़ रहा है। तो अगर कोरोना को लेकर लॉकडाउन बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम्स तो जैसे अभी तक हम लोगों ने फेस किए वैसे ही उसको फेस करना है, कॉपरेट करना है गवर्नमेंट के जो भी रूल और रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सभी दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन अगर बढ़ भी जाता है तो घबराए नहीं, जिस तरह से अभी तक हमने रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया है उसी तरह से उसको आगे भी हम लोग कॉपरेट करेंगे। PM साहब का मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी कि जिन्होंने ये लॉकडाउन में सब सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई और उनकी हेल्प इस तरह से हम लोग कर पा रहे हैं जिनको ज़रूरत है हेल्प की, कोरोना पेशेंट्स हो गए या बच्चे हो गए। और देशों के कंपैरेटिवली हमारे इंडिया के अंदर बहुत कम पेशेंट्स रह गए हैं कोरोना के, पॉजिटिवली हम लोग को उसको ओवरकम कर पा रहे हैं। आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच। हाँ, तो दोस्तों, ये थी जोशीना, एक्टर एंड सोशल वर्कर। तो जोशीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया कि आपने हमारे शो में शिरकत की, अपना कीमती समय हमारे शो में दिया। तो दोस्तों, आपने सुना जोशीना जी को, अब मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, जाते जाते वही बोलूँगा, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, आसपास का माहौल साफ रखिए और हाँ, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखिए और बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहिए, बाहर बिल्कुल मत जाइए, अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर जाइए और अपने चेहरे को कवर करके मास्क लगा के जाइए, और जब जाइए तो सावधानी से जाइए और सावधानी से अपने घर आ जाइए। चलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, नमस्कार।